सो हेलो गाइस, जयपुर फूड एक्सप्लोर के नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं किडनी फाटक एरिया के अंदर हूँ, जिसके बारे में थोड़ा और आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ये वैन लगी हुई देखी जिसपे लिखा है फ्रेश सोडा। ये देखिए आपको, ये फ्रेश सोडा जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये देखिए क्या अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ है। और अभी फ्रेश कॉन्सेप्ट नहीं है, बचपन से हम लोग जो है ये पीते हुए आ रहे हैं। तो अभी मुझे दिखा तो मुझे लगा रुक के चलो इसको करते हैं। तो कितने कितने का अंकल ग्लास अपने पास? वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है क्या 10-20, तो 10 का और 20 का। 10 वाला कौन सा है? 10 वाला है। अच्छा, ये 10 वाला ग्लास होगा अपना। और 20 वाला? ये 20 वाला है। ये 20 वाला ग्लास। अच्छा ठीक है। और ये फ्लेवर के बारे में थोड़ा बताओ, ये कौन सा है? ये तो अपने मतलब सारे अवेलेबल है क्या अपने पास में? अच्छा, स्ट्रॉबेरी नहीं है, सारा फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है अपने पास, है ना? अच्छा, तो इधर गाइस मिल जाता है आपको ऑरेंज फ्लेवर है, ये फ्रूट बियर है, जो इसमें बियर थोड़ी होती है, नॉन एल्कोहलिक होता है ना। अच्छा, खाली नाम है उसका, मतलब बियर वाली फील ले सकता है आदमी। अच्छा, और कोका कोला फ्लेवर है, लेमन है, स्ट्रॉबेरी है जो अभी इनके पास में है नहीं, जीरा है, पुदीना है और ब्लूबेरी है। अच्छा, आपका नाम बताइए। महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र सिंह चौहान जी, आपका ही है सर ये आउटलेट? अच्छा, तो आप लगाइए सबसे पहले तो ये ब्लूबेरी वाला लगाइए हमारे लिए एक। हाँ, थोड़ा नीचे से इसको, ग्लास को नीचे रखिएगा, थोड़ा आते ही दिखे, उस साइड से जाओ, उस साइड से। हाँ, ये आ गया ब्लूबेरी फ्लेवर। ब्लूबेरी वाले में क्या होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा किस टाइप का होता है फ्लेवर? जामुन का? तो ये कस्टमर आ गए भैया के पास में। ये कौन सा ले रहे हैं? जीरा मसाला। जीरा मसाला, तो ये टेस्ट करके बताओ कैसा है। अरे इधर तो देखो, हाँ टेस्ट करो इसको, कैसा है टेस्ट में? शानदार। चलो बढ़िया, ये क्या डाला है इसमें? मसाला। अच्छा, तो इनसे जो और भी हो, ये देखो ये बाहर आने लग गया पूरा, तो और भी जो है लगवाते हैं इनसे एक बार, पहले इसको जो है फिनिश करते हैं एक बार। तो गाइस ये जो है अपना ब्लूबेरी वाला जो है मैंने फिनिश कर दिया है, तो इसको तो करते हैं और अब एक जो है दूसरा लगवाते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है आपका, सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है? ऑरेंज निकलता है, और कोला है, और जीरा मसाला है, लेमन। अच्छा, फ्रूट बियर भी, तो चलो एक फ्रूट बियर ही लगवाते हैं। ये फ्रूट बियर आ गई अपनी, मतलब जो छोटे यंग जो स्टूडेंट है जो बियर ये डी पी सकते वो उसका मजा ले सकते हैं बियर। वाह, इसमें तो खतरा, ये डालते ही सोडा निकलता है, मस्त है। ये लेमन वाला आ गया अपना, और ये आ गया हमारा पुदीना। तो गाइस इसमें से जो है दो मैंने टेस्ट करे और दो जो है मैंने पैक करवा लिए हैं, थोड़े से ज्यादा हो गए थे, इतना ज्यादा पिया नहीं जाते चार चार ग्लास। तो ये पैकिंग की भी सुविधा है यहाँ पे, आप पैकिंग भी करवा के ले जा सकते हो। तो ये था थोड़ा बहुत, लोकेशन वगैरह बता दो डिटेल में, पैसे ले लो। हाँ, किडनी फाटक बाईपास है। किडनी फाटक बाईपास। अच्छा, कनकपुरा वाली रोड है, पकड़ेंगे एक बार। ये जैसे यहाँ से ये फाटक है और इस फाटक से वो अंडरपास है ना, अंडरपास से निकल करके इधर तो गणेश मंदिर आता है आगे जाकर के, और गणेश मंदिर से आप बैक साइड में आओगे इधर कनकपुरा जाता है, और यहाँ पर जो आपको ये मिलेगा बीच में, ये 200 फीट बाईपास है ऊपर उसके, यहाँ पे ये मिलेगा आपको। और सर अपना टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, गणेश मंदिर रहता है 10 बजे तक रात। फिर यहाँ से गणेश मंदिर चल जाते होंगे 5 बजे बाद में। अच्छा, 10 बजे तक। अच्छा, क्योंकि वहाँ शाम के टाइम खुलता है वो मंदिर। अंदर अच्छा,
तो गाइज ये था सारा वीडियो, ये कुछ मैंने आपको दिखाई, प्राइस वगैरह सब बताई, तो इसको देख के आपकी भी बचपन की जो यादें वो ताज़ा हुई या नहीं हुई मेरे को कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।